दोस्तों, अगर आपका भी YouTube चैनल डिलीट हो चुका है और आपने YouTube से बहुत बार अपील कर दिया है फिर भी आपका चैनल वापस नहीं आया है, क्योंकि आप जो अपील कर रहे हो वो तरीका ही गलत है। क्योंकि जब आप सही तरीके से अपील करोगे तब आपका चैनल वापस आने का चांसेस 99% बढ़ जाता है। और वो सही तरीका कौन सा है, चलिए इस वीडियो में शुरू से जानते हैं। तो चैनल डिलीट होने के दो रीजन हो सकते हैं, पहला कॉपीराइट स्ट्राइक और दूसरा कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। जब भी आपका चैनल डिलीट होता है तो पहला मेथड है कि आपको यूट्यूब से अपील करना होता है और उसी मेथड से 95% लोगों का चैनल रिकवर हो जाता है। और जो बाकी 5% लोग बचते हैं जिनका चैनल उस मेथड से रिकवर नहीं होता है तो वो इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि 100% चैनल उनका रिकवर हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी इस मेथड को यूज करके बहुत लोगों का चैनल रिकवर कराया है, उसी के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें प्ले स्टोर ओपन कर लेना होगा और यहाँ पे हमको ट्विटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जो कि अभी एक्स हो चुका है इलॉन मस्क के आने के बाद, तो इसको हमको इंस्टॉल कर लेना होगा। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में ये डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद डाउनलोड होने के बाद हमें इस पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसी को लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। नया अकाउंट, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नाम डालना है। तो यहाँ पे नाम लिखने के बाद आप अपना यहाँ पे फोन नंबर डाल सकते हैं या और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है, या अगर आप चाहे अपने फोन नंबर से अपना अकाउंट ओपन ना करना चाहें तो आप यहाँ पे यूज ईमेल आईडी इंस्टेड करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको ईमेल टाइप करना होगा, जो भी आपका ईमेल रहेगा उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। ईमेल डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ दोस्तों देख सकते हैं हमने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेट योर अकाउंट, वी नीड टू मेक श्योर दैट यू आर ए रियल पर्सन। तो यहाँ पे हमको ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है, जो ब्लैक कलर दिख रहा है इस पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जैसा आएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पूछेगा, वेरिफिकेशन कोड जो कि आपके ईमेल आईडी पर आएगा। तो उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे चेक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ गया है। इस वेरिफिकेशन कोड को हमको वहाँ पे एंटर कर लेना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर से यहाँ कोड पूछ रहा है तो यहाँ पे एंटर कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट हो गया यहाँ पे हमारा। तो दोस्तों, ये मेथड जो हम कर रहे हैं वो हम ट्विटर के जरिए यूट्यूब से अपील कर रहे हैं। तो ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप यूट्यूब को जो है फॉर्म फिल करके अपील करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जो सिस्टम रहता है, ये AI सिस्टम रहता है, वो वहाँ पे चेक करता है और उसमें थोड़ी सी भी वहाँ पे अगर गलती मिलती है उसे तो वहाँ पे आपका जो है अपील रिजेक्ट कर देता है। तो इसीलिए जब आप उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो बहुत लोगों का जो है चैनल वापस नहीं आ पाता है। और जब हमारा जो अपील रिजेक्ट हो जाता है तो हमें फिर से अपील करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे जो है ये प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ट्विटर वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वहाँ पे आपने ऑलरेडी अपील किया था तब वहाँ पे ये जनरेटेड सिस्टम ने वहाँ पे आपका जो यूट्यूब चैनल चेक किया था, लेकिन जब आप ट्विटर पे यूट्यूब को टैग करके यहाँ पे अपील करते हैं तब यूट्यूब भी यहाँ पे ह्यूमंस वेरिफिकेशन करते हैं। जो ह्यूमंस रहते हैं यूट्यूब में, टीम जो रहती है, वो लोग यहाँ पे आपके यूट्यूब चैनल को खुद से वेरीफाई करते हैं और वहाँ पे उनको कोई भी गलती नहीं मिलती है तब जाके वो आपके चैनल को वापस करते हैं। तो आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। और यहाँ पे दो चीजें हैं दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपने किसी कोई वायलेशन किया है या फिर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट वायलेशन या फिर कम्युनिटी वायलेशन किया है तो आपको यहाँ पे आपकी गलती मान लेनी है दोस्तों, तभी आपको जो है YouTube जब चेक करेगा, YouTube टीम जब चेक करेगा तो वो देखेगा कि हाँ आप अपनी गलती मान रहे हो तो आपका चैनल वापस आने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गलती से भी YouTube चैनल डिलीट हो जाता है, जैसे कि सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी चैनल डिलीट हो जाता है। उस टाइम आप अपनी गलती मानने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने कुछ गलती नहीं की है, तो वैसे आप अपना जो है यूट्यूब चैनल को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे यूट्यूब का अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे, क्रिएट पासवर्ड और ये सब क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम आ गया है और यहाँ पे हैंडल आ गया, यूजर नेम आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है, प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है और फिर से प्लस आइकॉन पे यहाँ पे क्लिक करना है। और दोस्तों, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखेगा व्हाट्स हैपनिंग, तो यहाँ पे आपको ये लिख देना दोस्तों, डियर यूट्यूब टीम, आई एम अपीलिंग द टर्मिनेशन ऑफ माई चैनल। और चैनल नेम आपको लिख देना है, ड्यू टू योर सस्पेंडेड अकाउंट आई एक्नॉलेज द वायलेशन, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव एड्रेस द इशू। और उसके बाद यहाँ पे आपको नाम, अपना नाम लिखना है
और यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख देना है। ऐसा अगर आप लिख के और यहाँ पे ये टैग करना मत भूलिए दोस्तों, अगर टैग नहीं करते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है इसको अपील करने का। यहाँ पे आपको टीम यूट्यूब को टैग कर देना है, टीम यूट्यूब, और यहाँ पे देख सकते हैं टीम यूट्यूब लिख दिया है, और यूट्यूब इंडिया को भी आपको टैग कर देना है। मैं यहाँ पे आपको टैग करके बता देता हूँ, यूट्यूब इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, टीम यूट्यूब और यूट्यूब इंडिया को हमने टैग कर दिया है, और ये चीज़ आपको लिख देना है कि हाँ यूट्यूब मेरे से गलती हुई है कि मैंने वायलेशन किया है, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसा आपको लिख देना है। और यही ये चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ वहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब की गलती की वजह से भी जो है चैनल डिलीट हो जाते हैं। ऐसे केस में आप यहां लिख सकते हैं मैंने कोई गलती नहीं की है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। तो उसमें आपको लिखना है कि यूट्यूब मैंने कोई भी ऐसी गलती नहीं की है जिससे कि मेरा चैनल डिलीट हो जाए, कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं किया है। तो बस इतना करने के बाद आपको यहां पे पोस्ट कर देना है, तो और उसके बाद यहां पे आपको बस कुछ टाइम वेट करना है, और आपको यहीं पे आपको यूट्यूब यहीं पे रिप्लाई करेगा, ट्विटर में ही आपको जो है ये रिप्लाई करेगा। तो आपको अलग से मेल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसको टैग करना बिल्कुल ना भूलें। इन दोनों को अगर आप टैग करते हैं या फिर एक को भी कोई किसी को टैग कर देते हैं तो आपको जो है YouTube की तरफ से सही रेस्पॉन्स मिलेगा और आपका चैनल जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, आपका चैनल चाहे कल परसों डिलीट हुआ हो या 6 महीने पहले या 1 साल पहले, कितना भी पुराना चैनल डिलीट हुआ हो आपका, आप कभी भी जो है इस प्रोसीजर को फॉलो करके अपना चैनल रिकवर कर सकते हैं। और इस प्रोसीजर को, ट्विटर वाले प्रोसीजर को फॉलो करने से पहले आपको अपील वाला प्रोसीजर फॉलो करना ही होगा। बिना अपील किए अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो वह आपको यहाँ पे सीधा से आपको यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपको पहले अपील करना होगा। तो आप सबसे पहले अपील का प्रोसीजर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, अपील फॉलो करने के बाद आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें। और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों, इमेज में आपको क्या क्या इमेज आपको ऐड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो अपील किया था उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ ऐड कर देना है, और अगर आपका चैनल का स्क्रीनशॉट है तो उसको भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर देना है, पोस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए दोस्तों आपका चैनल आपके पास जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसका चैनल भी डिलीट हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर। और दोस्तों हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।